इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया टेलीकॉम। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? एशिया टेलीकॉम। तो वेरी गुड। और यहाँ पर दोस्तों, ये मैंने नहीं कहा इनसे, ये क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सीखा है, इनको अच्छा लगा है, तो यहाँ पर आप बताइए, मतलब यहाँ पर आप आए हो, आपने सीखा है यहाँ पर प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। बेस्ट लगा आपका ट्रेनिंग सर। यहाँ आज तक 4 साल तक 2 ट्रेन में क्लास किया है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं ट्रेनिंग मिला नहीं सर। ट्रिक सर भी जो पढ़ाते एकदम बहुत परफेक्ट लगा। हम लोग इतना कम समय में 8 दिन के अंदर में इतना कुछ जान गए जो आज तक 4 साल में नहीं जान पाए हैं। तो चलिए ठीक है, मतलब अनिल का कहना है कि इन्होंने पहले भी कहीं सीखा है और दुकान में आपने काम भी किया है? जी, अपना खुद का दुकान है। तो चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। सर, अपनी दुकान छोड़ के सीखने आए स्पेशल? अच्छा, ये लोग देखिए, ये सब दुकान छोड़ के आए हैं सीखने। और आप कहाँ से हैं? ये फरीदाबाद से। ये फरीदाबाद से हैं, क्या नाम है आपका? जी, कपिल कुमार। कपिल कुमार जी, और आप कहाँ से हैं? तौसीफ रजा, दिल्ली से। ये दिल्ली से हैं, और आप? सर, मैं अनिल, कर्नाटक से हूँ। अनिल जी, ये कर्नाटक से आए हुए हैं, और आप? अभिजीत राजपूत, मंडला से, मंडला एमपी से हैं। और आप? प्रतीक, मुंबई से। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ स्टूडेंट, और जो आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, संडे का दिन है, फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स मतलब ये अपनी दुकान छोड़ के आते हैं, अपना घर छोड़ के आते हैं, बहुत मुश्किल होता है इनको 1 महीने अपनी दुकान बंद करना। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें भी लगता है कि नहीं, हमें एक आउटपुट देना चाहिए, और हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बेशक आ सकते हैं। मेरा नंबर 7999865564, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि आईसी रिवॉल्विंग कैसे करें, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार लोग मतलब काम तो कर लेते हैं, लेकिन जब आईसी का काम आता है तो फिर उनको मना करना पड़ता है, क्योंकि उनको आईसी रिवॉल्विंग नहीं आती, आईसी के बारे में जानकारी नहीं रहती। तो चलिए, आज हमारे स्टूडेंट, आज हम आपको सिर्फ रिवॉल्विंग दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको अपने से एक रिवॉल्विंग करके सीपीयू लगा के और चालू करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए, आज हम अपने स्टूडेंट से बोलते हैं और वो करके दिखाएंगे आपको कि रिवॉल्विंग कैसे करते हैं। तो क्या नाम है आपका? अनिल कुमार साहू सर। कहाँ से हैं आप? रांची, झारखंड। झारखंड से हैं। तो दोस्तों, ये झारखंड से आए हुए हैं और मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं। तो चलिए, ये रिवॉल्विंग करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए, इस आईसी को निकालिए पहले। ये आईसी ये निकाल चुके हैं और ये दूसरी आईसी निकाल रहे हैं और पेस्ट लगाएंगे हम पहले। पेस्ट लगा के और हम हीट देंगे। तो दोस्तों देखिए, हीटिंग कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हीटिंग कितना दें, एयर कितना दें। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है ना कि आप अपने असेंबली के हिसाब से सेट कर सकते हैं हीटिंग एयर, है ना। और जो हम सेट कर रहे हैं वो 350 की हीटिंग सेट कर रहे हैं, और एयर भी हमारा 1.5 के समथिंग है, तो 1.5 के समथिंग एयर हमने कर दिया है। तो अब हम इसको निकालते हैं। नहीं तो फिर छुड़ानी पड़ेगी इसको। देखिए फ्रेंड्स, इसको आईसी को ना हमको बिल्कुल ये नहीं करना है कि मतलब, दोस्तों हमें ध्यान देना होगा आईसी को निकालते समय, जब आईसी एकदम लूज हो जाए तभी आपको निकालना है, झटके से नहीं खींचना है, क्योंकि उसमें आपकी टेप्स निकल सकती है, जैसे इन्होंने निकाला है निरंजन जी ने, तो यह अनिल जी ने निकाला है, और ये देखिए इसमें हम पूरी टिप्स देखेंगे, एकदम क्लियर टिप्स। ये देखिए, आपको पूरी टिप्स दिखती होंगी, कोई भी टिप्स एकदम डैमेज नहीं हुई है। तो चलिए, हम एक बार आईसी का भी देख लेते हैं। आईसी कहाँ है? ये देखिए फ्रेंड्स, आईसी में पूरी टिप्स सेफ हैं, कोई भी टिप्स ख़राब नहीं हुई है। तो चलिए ठीक है, अब इसको हम आईसी।
तो चलिए अब इसको हम आईसी रिबॉलिंग करके दिखाते हैं। तो इसको हम पहले रिफ्रेश करेंगे आईसी को। आयरन गरम नहीं। तो चलिए इस आईसी को हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार होल्डिंग आयरन से। चलो रिफ्रेश करूँ। और हमें ध्यान देना है सोल्डिंग आयरन को बहुत हल्के हाथों से चलाना है, ठीक है ना? नहीं तो हमारी आईसी की टिप्स क्या हो सकती हैं, निकल सकती हैं। हमें सभी बॉल को रिफ्रेश करना है सावधानी से। हम पूरे बॉल को रिफ्रेश कर लेंगे, ज़्यादा जोर नहीं देना है, नहीं तो हमारी आईसी की टिप्स निकल सकती है। तो ठीक है, रिफ्रेश हो गई है ना। अब इसको एक बार हम क्या करें, साफ कर लेते हैं इसको। तो चलिए ये हमारी आईसी साफ हो चुकी है। अब इसको हम तो क्या हुआ, स्टेंसिल ये है ना, ये चलो ठीक है सर। टेप अरे ये वाले ठीक है, देखो यही वाले ये होगी, देख लो बॉल मैच कर लो, समझ आ जाएगा। हम गंदा नहीं किए तो ठीक है, लगाओ स्टेंसिल में। स्टेंसिल में कैसे लगाते हैं बता दो तरीका अनिल। साइज मिला के लगाना पड़ता है। अरे पहले इसमें क्या लगाओगे, टेप लगाओगे? टेप सर। तो ये दोस्तों हम इसमें पहले टेप लगाएंगे। तो इसको चलो ठीक है, आईसी को कैसे लगाओगे स्टेंसिल में निकालो? टेप में आईसी को लगा के। ठीक, लगा लिए। तो दोस्तों ये हम आईसी को कुछ इस तरह से टेप में लगाएंगे और फिर आईसी में हम इसके बॉल्स को बैठाएंगे। वैसे मतलब से ही मिलाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि बॉल समझ में नहीं आती, इसके कारण दिक्कत हो जाती है। तो अभी ये इनको आईसी रिबॉलिंग अभी सीखे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए कि कोई एक्सपर्ट हैं तो तुरंत करें। फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट ट्रेनिंग में ही इनसे इतना आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो चलो बैठाओ आईसी में। अब इस आईसी को हम इसमें बैठाते हैं स्टेंसिल में कुछ इस तरह से। इसमें हमको बॉल दिखने चाहिए। क्या है दोस्तों कि अगर हमारे बॉल सही से बैठेंगे नहीं तो उसमें जब हम बॉल करेंगे उसमें पेच देंगे तो वो पेच फैल जाएगा और सही तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए स्टेंसिल में हमारे बॉल सही से बैठने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं ये सही से बैठा है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम एक बार देखते हैं माइक्रोस्कोप। बॉल कैसे दिखाई देंगे, इस तरह से दिखाई देंगे। ये देखिए दोस्तों ये आईसी के बॉल आपको दिखते होंगे, ये पूरे बॉल। तो कुछ इस तरह से हमको आईसी का
स्टेंसिल में सेट करना होता है। देखिए पूरी बाले हमारे सेट हैं, इसमें कोई भी मिस नहीं है। तो चलिए अब इसी को हम रिबॉल करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये पहले इन्होंने कपड़े रख लिए, पेपर रख लिए है ना, ताकि इसमें गैप ना बन पाए। और कपड़े रखने के बाद फिर इसको हम कुछ इस तरह से ट्वीजर से दबा के रखेंगे। आईसी सूखी तो नहीं है, पेस्ट इसको मिलाना पड़ेगा। ओ सॉरी, पेस्ट सूखा तो नहीं है? नहीं सर। ठीक, अगर सूखा है तो हटा दो, काम कर जाएगा। अच्छा, रोड़े हटा दो। तो दोस्तों हमको ये देखना है कि अगर पेस्ट का डिब्बा खोल रहे हैं उसमें आईसी सूखी नहीं होनी चाहिए, सॉरी पेस्ट सूखा नहीं होना चाहिए है ना, नहीं तो वो दिक्कत कर देगा। ठीक, तो हम ट्वीजर से कुछ इस तरह से दबाएंगे और उसके बाद पेस्ट को हम लगाएंगे। और पेस्ट उतने में ही लगाना है फ्रेंड्स, जितना हमको काम है ना, ज़्यादा पेस्ट भी नहीं लेके लगाना है, नहीं तो फिर वो बाद में आईसी के किनारे जम जाते हैं। और पेस्ट डालने के बाद उसमें अच्छी तरह से हम हाथ घुमा के डाल देते हैं उंगली, ताकि पेस्ट सही तरह से हर जगह पहुंच जाए। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पेस्ट डालते हैं लेकिन घुमा नहीं पाते उंगली उस पर, तो उसके कारण पेस्ट पूरी तरह से सब गोलों पर नहीं पहुँच पाता, कुछ गोले छूट जाते हैं, फिर उनको दोबारा तिवारा करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको पेस्ट लगाने के बाद उस पर 4-6 बार घुमा देने हैं। खासकर ये सफाई करना जरूरी है। हाँ, तो हमको एक बार पेस्ट लगाने के बाद इसको सफाई कर देनी है। ठीक, अभी हीटिंग हमारी, देखिए फ्रेंड्स हीटिंग हमारी रहती है समथिंग 350 के करीब, एयर भी हमारा वही 1-1.5 के करीब रहता है। और ये देखो जैसे ही बॉल बना हम छोड़ देते हैं, आप एक सेकंड रुकना तो दिखा देते हैं। अच्छा ये जूम में नहीं समझ आएगा, चलो ठीक है करो। तो मतलब ये दोस्तों ये है कि अगर थोड़ा सा बॉल चमकने लगे तो हमें तुरंत एसएमडी हटा लेना है। बॉल बनाते समय जैसे ही थोड़ा सा बॉल चमकने लगे, आपको चमकता दिख रहा है तो आप हटा लो, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि अगर आप लगातार हीट देंगे तो बॉल बाहर आ जाएंगे। तो ये हो चुका है, हाँ रिबॉलिंग हो चुकी है इसमें। अब इसमें एक बार हम तुरंत नहीं निकालेंगे ट्वीजर, अगर नहीं निकालेंगे है ना, नहीं निकालेंगे उसको, फिर हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। चलिए ठंडा हो चुका हो गया, अब इसको हम पलट के निकाल लेते हैं। चलो निकालो टेप, थिनर साफ नहीं करते। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक काम करो, चलो देख लेना पहले इसको, एक काम करो इसको थिनर से साफ करके फिर माइक्रोस्कोप में दिखा। निरंजन कहाँ गया, ब्रश और थिनर कहाँ ले गया भाई लोग? इसको थिनर से हम साफ कर लेते हैं एक बार। बस हो गया, साफ हो चुका है। अब इसको दोस्तों हम देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसको रखते हैं माइक्रोस्कोप में। और तो ये देखिए आपको ये बॉल परफेक्ट दिखते होंगे, ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरे बॉल बने हुए हैं। तो कुछ इस तरह से रिबॉलिंग होती है फ्रेंड्स। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी स्टूडेंट एक दिन दो दिन में आईसी रिबॉलिंग करके इतनी अच्छी रिबॉलिंग कर ले रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको देखने में शायद आसान लगता होगा, लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो फिर समझ में आता है कि नहीं, ये इतना आसान नहीं जितना हम समझ लेते हैं। तो देखिए इनका मतलब कितने
एक मिनट देना तो। तो अनिल आपको कितने दिन हुए हैं रिवॉल्विंग करते हुए? फर्स्ट टाइम था सर। ये फर्स्ट टाइम रिवॉल्विंग, तो आपको मतलब जिस हिसाब से ट्रिक बताई गई है तो आपको मतलब फर्स्ट दिन है, तो आपको अभी कैसा फील हो रहा है? इसके पहले आपने रिवॉल्विंग की थी कभी? नहीं सर, कभी नहीं की थी, चार साल दुकान में काम किया लेकिन आज तक रिवॉल्विंग का काम कभी नहीं किया। मतलब रिवॉल्विंग इन्होंने नहीं की और इनको जो ट्रिक दिया गया, तो ट्रिक कैसा लगा आपको? बहुत बेटर लगा सर। तो चलिए ठीक है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि मतलब आज तक यहाँ इंस्टीट्यूट में भी गए, आज तक ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिला जो इतना एक बार में कहीं काम हो जाए। तो मतलब इसके पहले भी मतलब आपने इंस्टीट्यूट मतलब कहीं आपने पढ़ भी? दो इंस्टीट्यूट ज्वाइनिंग किया। अच्छा, दो इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, दो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुके हैं और फिर यहाँ पे आए हैं। तो चूँकि आज वैसे क्लास लगनी नहीं थी फ्रेंड्स, बट हम लोग एक्स्ट्रा टाइम देते हैं संडे के दिन भी, तो इसलिए इनको आईसी रिवॉल्विंग की प्रैक्टिस करा रहे थे। कुछ ट्रिक दिए इनको और बहुत परफेक्ट रिवॉल्विंग की है, इसलिए इसके लिए हमने वीडियो बनाया ताकि इससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप परफेक्ट हैं मोबाइल में तो आप इस वीडियो को मत देखिए। हम तो उनके लिए बनाते हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो अगर आपको नई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स ये हमारे स्टूडेंट हैं और इनको आज हम प्रैक्टिस दे रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट अगर यहाँ से जाएँ तो उनको किसी दूसरे की दुकान में नहीं बैठना पड़े और वो इतने परफेक्ट हो जाएँ कि मतलब वो अपने से काम कर सकें। तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अनिल जी, बोलिए। आपका मतलब आप इस इंस्टीट्यूट के बारे में या फिर मेरे मेरे ट्रेनिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे बेस्ट लगा आपका ट्रेनिंग सर, यहाँ आज तक चार साल तक दो ट्रेन में क्लास किया है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, लेकिन आज तक अभी ऐसा नहीं ट्रेनिंग मिला ना ही सर। ट्रिक सर भी जो पढ़ाते एकदम बहुत परफेक्ट लगा, हम लोग इतना कम समय में 8 दिन के अंदर में इतना कुछ जान गए जो आज तक 4 साल में नहीं जान पाए हैं। तो चलिए ठीक है, मतलब अनिल का कहना है कि इन्होंने पहले भी कहीं सीखा है और दुकान में आपने काम भी किया है? जी अपना खुद का दुकान है। तो चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। सर अपनी दुकान छोड़ के सीखने आए स्पेशल। अच्छा, ये लोग देखिए ये सब दुकान छोड़ के आए हैं सीखने, और आप कहाँ से हैं? ये फरीदाबाद से। ये फरीदाबाद से हैं, क्या नाम है आपका? जी कपिल कुमार। कपिल कुमार जी, और आप कहाँ से हैं? तौसीफ रजा, दिल्ली से। ये दिल्ली से हैं, और आप? मैं अनिल कर्नाटक से हूँ। अनिल जी कर्नाटक से आए हुए हैं, और आप? अभिजीत राजपूत मंडला से, एमपी। मंडला एमपी से हैं, और आप? प्रतीक मुंबई से। प्रतीक मुंबई से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ स्टूडेंट, और जो आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, संडे का दिन है फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स मतलब ये अपनी दुकान छोड़ के आते हैं, अपना घर छोड़ के आते हैं, बहुत मुश्किल होता है इनको 1 महीने अपनी दुकान बंद करना। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें भी लगता है कि नहीं हमें एक आउटपुट देना चाहिए, और हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक आ सकते हैं। मेरा नंबर 7999865564, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ओके थैंक यू। নমস্কার বন্ধুসকল, মই বকুল লস্কর অসমৰ পৰা আহিছো মধ্যপ্ৰদেশ জবলপুৰ। ইয়াত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে এছিয়া টেলিকম ষ্টুডেণ্ট। বন্ধুসকল আজি মই এখন কিতাপ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ আগত, যিখন কিতাপ নেকি মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ কিতাপ হয়। এইখন কিতাপ যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক এটা আছে, লিংকত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল গতিকে কথা হ'ল কি, আমাৰ ছাৰে যিখন এখন বুক বনাই এখন কিতাপ বনাইছে, কিতাপখন মানে যাৰ কাৰণে ধৰি লোৱা কোনোবা মানুহ ইমান দূৰলৈ আহিব নোৱাৰে, পইচা পাতি প্ৰব্লেম আছে, কাৰোবাৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিবলৈ বহুত মানে হেৰি আছে, কাৰোবাৰ যদি বহুত মন আছে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শিকিবৰ কাৰণে, যিসকল আমাৰ ষ্টুডেণ্টলৈ আহিব নোৱাৰে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ভাল এখন ৰিপেয়াৰিং কিতাপ আহিছে। এইখন হাৰ্ডৱেৰ অলৰেডি ভালকৈ লিখা আছে, আৰু এইখনৰ ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে একো তেনেকৈ বনোৱা নাই ছাৰে। আৰু ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে যদি শিকিব বিচাৰে ছাৰে আৰু এখন বহি বনাই আছে, কিতাপ বনাই আছে ছফ্টৱেৰৰ কাৰণে। আৰু এইখনত হাৰ্ডৱেৰ এইখন দিলে আপুনি ভালকৈ একদম হাৰ্ডৱেৰ ভালকৈ শিকিব পাৰিব, ইয়াত হাৰ্ডৱেৰৰ একদম মডেলি চব লিখা আছে। এইখন আমাৰ ভালকৈ এবাৰ চাব পাৰিব, এইখন কিতাপত একদম ফটোৰ লগত ইমেজৰ লগত দিয়া আছে, একদম ভালকৈ চব লিখা আছে, মিটাৰ চিটাৰ একদম ভালকৈ যি লাগে কম্পনেণ্ট যি আছে চব দিয়া আছে, এইখনত ভালকৈ শিকিব পাৰিব। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें,
एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.